भाई, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज भी लेके आया हूँ पिनोरा का GD118 मॉडल। आज हम इसको देखेंगे क्या ये ड्रोन सही में वर्क करता है या नहीं करता है, क्या इसको आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। ये मेरे को काफ़ी दिनों से लोगों की डिमांड में था, इसलिए मैंने भी सोचा कि आपके लिए ये ड्रोन प्रोडक्ट बैग बाय करूँ। और फिर तो ये अपना GD118 ड्रोन, तो चलिए बताते हुए आपका उसका फुल रिव्यू देता हूँ मैं, क्या है, कैसा है और कैसा है ये ड्रोन। फिर पिनोरा ऑप्टिकल फ्रोन ड्रोन, ये यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है, अगर 14 साल से आप प्लस हो तो आप ये ड्रोन उड़ा सकते हो। और इसमें फीचर देखना चाहते हो तो आप ये देखो, ऑप्टिकल फॉलो मी, HD वाइड एंगल लेंस, हैंड सेल्फी, कैमरा स्विचेस, ऑटो रिटर्न, हैंडलेस मोड, रोल 360 फ्लाइट्स। काफ़ी बेहतरीन यार क्वालिटी लग रही है मेरे को इसकी। चलिए अपन चलते हैं अपने वीडियो की ओर, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या है। चलो, ये फोल्डिंग डिजाइन ड्रोन है, ठीक है, चलते हैं, इसको रख लेते हैं अपन इधर। हाँ, करते हैं ओपन अपन ड्रोन को। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, देखिए गाइस, एक शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये ड्रोन को निकाल देते हैं अपन, ये अपना ड्रोन है, इसको रखते हैं इधर। और ये है इसका रिमोट वर्किंग, एक एकदम वर्किंग कंडीशन में ये भी। और ये इसके साथ मिल जाते हैं सेफ्टी गार्ड, ये आपकी फैन को सेफ्टी देगा। इसके इसको पढ़ते हैं और इसको भी रख देते हैं इधर अपन। और एक अपन को मिल जाती है ऑप्टिकल बुक, ये गाइड बुक है, इससे आप देख के सीख सकते हो। और इसमें सारे फीचर भी अवेलेबल है आपको, चलो इंग्लिश में और चाइनीज़ में दोनों में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका ऐप, आपको गूगल पे ये वाला स्कैन करना है, तो आपको एंड्रॉयड के लिए ये वाला है और iOS के लिए ये वाला है। तो इसको इसकी स्कैन कर से आप ही फोन ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर वही ऐप से ड्रोन कनेक्ट होगा और फिर आप इसको फ्लाई कर सकते हो। तो चलिए भाई, चलिए ये बाकी ना कुछ मैं तो उड़ाता हूँ, मैं तो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत होगी अगर आप बाय करते हो तो, इस बुक को ज़रूर पढ़े, इसमें सारे फ्यूचर सब आपको पता चलेगा कि हैंडलेस मोड में कैसा रहता है और 1 की रिटर्न कैसे आता है और 360 फ्लिप कैसे करता है, सारा इसमें दिया हुआ है। तो आप ये पढ़े, और इसमें वार्निंग भी दी हुई है, पब्लिक में नहीं उड़ा सकते, पेड़ पौधों पर नहीं उड़ा सकते हो, और तार के बीच में नहीं, और बिल्डिंग वाले एरिया में नहीं, और टावर के पास नहीं। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रोडक्ट को क्या है। और ये मिल जाती बुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी रखते हैं याद में। उसके बाद अपन को एक चार्जिंग केबल, ये ड्रोन के बैटरी चार्ज करने के लिए, और इससे आप बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हो इजीली। चलो मैं आपको इसको क्वालिटी भी बता देता हूँ कैसी क्वालिटी की है। इसमें आपको एडेप्टर इसमें दिया हुआ है, अगर आप लोकल चार्जिंग में भी लगाते हो तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडप्टर दिया हुआ है आपको। और जब आप चार्ज करते हो तो इधर रेड लाइट शो होगी, और जैसे ही बैटरी फुल आ जाती है वैसे ही ग्रीन लाइट हो जाएगी। तो ये तो होगी अपनी केबल, ये वाले बैटरी में कनेक्ट होगी तो। चलो, और ये आपको मिलती है एक्स्ट्रा पंखुड़ियाँ मिल जाती है, और ये आपको इस गार्ड वाला लगाना, मैं तो एक बार अनबॉक्स कर चुका हूँ इसलिए ये मैं निकला हुआ, नहीं तो ये वाला है। चलो आपको खोल के ही बताऊंगा, ये प्रॉपर गार्ड काफ़ी मजबूत, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के है। और आ जाते हैं चार, और इसके साथ आपको मिल जाते हैं ये ड्रोन के ऊपर लगाने का है, यहाँ पे लगाने वाला है। ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाएगा, ये लगा दो उसके साथ, और ये ड्रोन के अंदर आती है, ये गार्ड लगाते उधर आती है। ये आपको मिल जाता है एक प्यारा सा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर, ताकि आप पंखुड़ी वगैरह चेंज कर सकते हो और ड्रोन को खोल सकते हो। तो ये तो होगी इसकी बात, अब मैं आपको लेके जाता हूँ ड्रोन की बात। इसको तो रख देते ऐसे, सबसे पहले ये आता है रिमोट का, ये है इसका रिमोट, काफ़ी प्रीमियम रिमोट है, काफ़ी स्मूथ है इसका जॉयस्टिक वगैरह सब। और यहाँ पे फीचर दिया, ये है फोटो और वीडियो, एक बार करोगे तो फोटो क्लिक होगा और तब प्रेस करके रखोगे तो ये वीडियो ऑन हो। और ये है अपना स्पीड मोड, इसमें तीन गियर हैं, ये एक बार पुश करोगे आप, ये फर्स्ट गियर में, ये सेकंड गियर में, ये थर्ड गियर, तो
इसमें तीन कैमरे, ये आप कैमरा स्विच कर सकते हो, नीचे वाला ऊपर वाला दो कैमरा इस ड्रोन में, और ये आप ड्रोन की लाइट वगैरह बंद कर सकते हो। और ये आपको दिया हुआ है 360 फिलिप का, ये है, ये 1 की टेक ऑफ, 1 की लैंड और 3 सेकंड तक इसको दबा के रखेंगे तो 1 की रिटर्न भी आ जाएगा। और यह है स्टेबल मोड, इसको करते ही आपका ड्रोन एकदम हवा में स्टेबल हो जाएगा। और ये आपको दिया जाता है मोबाइल होल्डर, इसमें आप मोबाइल लगा के प्रीमियम वीडियो क्वालिटी के साथ आप अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिमोट है, इसमें 3 बैटरी आपको ड्रोन के साथ ही देखने को मिलेगी। आप कंपनी से आपको 3 बैटरी दी जाएगी, वो उसके अंदर लगाना आपको और रिमोट चालू कर देना। तो ये तो ओके रिमोट की बात, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट है इसका ये। तो अभी इसको कर देते हैं ऑफ और आते हैं ड्रोन की तरफ। ये है अपना GD-118 ड्रोन, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ड्रोन है और देख सकते हो आप, ये दिखने में बहुत छोटा लगता है बट इसकी कार्ड होते हैं ना तो बहुत बड़ा है, देखो अमेजिंग। इसके अंदर आपको दी जाती है लाइटिंग और ये आगे वाली लाइटिंग, जैसे आप रिमोट से कनेक्ट करोगे ये देखना लाइटिंग बंद हो जाएगा, ये देखो चप चप करना बंद हो गया, ये रिमोट से हो गया कनेक्ट। जैसे मैं रिमोट ऑफ करता हूँ वापस लाइट ब्लिंक करना चालू करी, अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, ये देखो जैसे ही रिमोट को बंद करते हैं वैसे ही लाइट ब्लिंक करना। अब ये तो होगी ड्रोन के बाद, अब आपको बताता हूँ मैं इसकी बैटरी, ड्रोन की बैटरी। तो यहाँ से आप पकड़ के पुश करके ये रही ड्रोन की बैटरी, काफ़ी अच्छी बैटरी है ये, ये मिनिमम आपको देती है 15 मिनट का फ्लाइंग टाइम। ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी है और ये चार्ज होने में लेती है 45 मिनट में पूरा चार्ज कर देती है। और ये जो केबल है ना ये लगती है यहाँ पे, ये इसमें लगी और फिर आप चार्जिंग में लगा दो तो यहाँ पर रेड लाइट होगी तब तो बैटरी चार्ज हो रही है, जब फुल हो जाएगी तब लाइट ग्रीन हो जाएगी। तो देख लो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी ड्रोन है, इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल कैमरा है, आप कैसे भी करके वीडियो शूट कर सकते हो नीचे ऊपर एडजस्ट, ये अपना हाथ से करना पड़ेगा, ये ऐप में फ्यूचर नहीं आता है। ये तो होगा इसलिए लगाई है कि थोड़ा मेरा इशू आया था प्रोडक्ट में इसलिए, बट मैंने रिटर्न नहीं किया, छोटा इशू था इसलिए मैं कि चलो कोई ना चलेगा। काफ़ी बेस्ट प्रीमियम ड्रोन है, क्वालिटी अच्छी है, जिस हिसाब से इसकी रेट है ना उस हिसाब से सबसे बेस्ट ड्रोन यही है, इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट ड्रोन आपको यही लगेगा। तो उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं नया हूँ आप कहोगे तो इसका फ्लाइंग वीडियो लेके आऊँगा, रेंज टेस्ट करूँगा और इसमें जो जो फ्यूचर है वो भी टेस्ट करूँगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।